और इश्क के मसलों की बात की आपने, तो उस पे गृहस्थी वाले इश्क की तो कोई बात ही नहीं करता कि गृहस्थी में यूं तो लाखों मसले हैं, कि गृहस्थी में यूं तो लाखों मसले हैं, गृहस्थी में इश्क भी तो एक मसला है। शुक्रिया। कि बावफा मोहब्बत से, कि बावफा मोहब्बत से दगा किया नहीं करते, मरते से झूठ कहा नहीं करते। कि बावफा मोहब्बत से दगा किया नहीं करते, मरते से झूठ कहा नहीं करते। जानती हूँ कि कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, कि जानती हूँ कि कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, पर मेरी जान नींव के पत्थर को यूँ भुलाया नहीं करते। शुक्रिया। एक टू लाइनर वो पढ़ देती हूँ, पुराने जो लोग हैं वो साथ में पढ़ें, अच्छा लगेगा। सहमा सहमा सब वो लड़का, सहमा सहमा सब वो लड़का, बहुत कम बोलता वो लड़का, बस बात करो उसकी महबूबा की, फिर देखो कैसे बोलता वो लड़का। शुक्रिया। अभी दो लाइनें सुना देती हूँ। कि शहर के शहर बेअदबी नहीं करते, अक्सर होता है ना कि हमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी जिस शहर में रह रहा होता है उसको गालियाँ देने लग जाते हैं, दिल्ली वाली ऐसी थी, दिल्ली वाला ऐसा था, है ना। तो शहर के शहर बेअदबी नहीं करते, कि शहर के शहर बेअदबी नहीं करते, बस एक शख्स शहर को बदनाम कर देता है। माँ को माँ समझते हो, माने जिंदगी को जिंदगी समझते हो। कि माँ को माँ समझते हो, माने जिंदगी को जिंदगी समझते हो। उसका एक हाथ तुम्हारी हर मुसीबत मिटा देगा, कि उसका एक हाथ तुम्हारी हर मुसीबत मिटा देगा। उसको उसकी तरबियत साबित करने दो ना, कि उसको उसकी तरबियत साबित करने दो ना। वो जानती है कि वो जानती है तुम्हारी हैसियत कैफियत वगैरह वगैरह, कि वो जानती है तुम्हारी हैसियत कैफियत वगैरह वगैरह। तुम्हारे दुनिया में आने से पहले 9 महीने उसने तुम्हें पढ़ा है, कि तुम्हारे दुनिया में आने से पहले 9 महीने उसने पढ़ा है तुम्हें गीता कुरान ग्रंथ की तरह, कि तुम्हें गीता कुरान ग्रंथ की तरह। तुमसे पहले तुमको वो जानती है, कि तुमसे पहले तुमको वो जानती है, तुमको तुम बनने से पहले वो पहचानती है। कि तुमको तुमसे पहले वो जानती है, तुमको तुम बनने से पहले वो पहचानती है। उसके हाथ सर पर बनाकर रखो ना, उसके हाथ को सर पर बनाकर रखो ना, सब दुख दर्द सब परेशानियां खींच लेगी वो तुम्हारी। कि सब दुख दर्द परेशानियां खींच लेगी वो तुम्हारी, जिंदगी को जिंदगी बना देगी माँ तुम्हारी, माँ तुम्हारी। शुक्रिया। एक मैंने लिखी थी कविता इन पे, ये जो पहने हुए हैं मैंने, मेरी उम्र की औरतें कम ही पहनती हैं, बट मुझे पसंद है तो मैं बहुत पहनती हूँ। अक्सर मुझे सुनाया जाता है क्या ये इस उम्र में आके तुम ये काला सोना पहने घूमती रहती हो, पर मुझे बेहद पसंद है। तो मैंने झुमके वालियों पे लिखा है कि ये झुमके वालियाँ, कि ये झुमके वालियाँ कुछ आज़ाद ख्याल होती हैं क्या, कि ये झुमके वालियाँ कुछ बेपरवाह मस्तमौला सी होती हैं क्या, कि ये झुमके वालियाँ कुछ ज्यादा ही जिंदा दिल होती हैं क्या, कि ये झुमके वालियाँ कुछ दरिया दिल रहनुमा सी होती हैं क्या, कि ये झुमके वालियाँ कुछ इठलाती बलखाती नदी सी होती हैं क्या, ये झुमके वालियाँ कुछ सांसों में समा जाने वाले इत्र सी होती हैं क्या, ये झुमके वालियाँ कुछ यो मर्दों के समाज में अपनी जगह बनाती सी होती हैं क्या, कि ये झुमके वालियाँ कुछ अपनी सी जगह बनाती होती हैं क्या। शुक्रिया। माँ को ध्यान में रखना और सुनना। कि हिना से जिंदगी होती है हम औरतों की, कि हिना से जिंदगी होती है हम औरतों की, कच्चे पत्तों से पिता के घर में महकती हैं, कि कच्चे पत्तों से पिता के घर में महकती हैं, फिर ब्याह दी जाती हैं, कि फिर ब्याह दी जाती हैं, वहां जा रंग बदलती हैं, कि वहां जा रंग बदलती हैं, कुटती हैं पिसती हैं। ये मार कुटाई की बात नहीं हो रही है, हाँ कहीं सोचो मम्मी को कब मारा था पापा ने, मार कुटाई वो वाली नहीं। कि कुटती हैं पिसती हैं गृहस्थी के रंगों में, हिना की खुशबू सी घर आंगन महकाती, कि हिना की खुशबू सी घर आंगन महकाती हैं, फिर लाल संतरी रंग सी संवरती भी है। हिना का रंग हो जाता है ना लाल संतरी, फिर लाल संतरी रंग सी संवरती भी है,
संवरती भी हैं और संवारती भी हैं गृहस्थी को, कि माओं के बिना घर बिखर जाते हैं अक्सर। जिन घरों में पिता नहीं है वहां माँ संभाल लेती हैं, पर जिस घर में माँ नहीं है वहां संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खुद पुरुष ही खुद को संभाल नहीं पाता है। कितना ही बोलते रहो बेवफाई पे, कितना ही पढ़ते रहो, पर अंतिम सत्य यही है कि एक दूसरे के बिना नहीं चलता। ये दो पहिए हैं गाड़ी के जो साथ साथ चाहिए ही होते हैं ना, कि समर्थी भी है सवारती भी है गृहस्थी को, हिना के जैसे बेनाम रहे रंग बिखेरती भी, कि हिना के जैसे बेनाम रहे रंग बिखेरती भी।